ओके यू हैव डन। सो आर्मंड आ गए हैं। सो आर्मंड के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। आर्मंड इज नॉट हैविंग इज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड ही इज कमिंग फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। सो द होल कम्युनिटी प्लीज वेलकम मिस्टर आर्मंड। प्लीज टाइप वेलकम इन द चैट सेक्शन। वेलकम आर्मंड, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। प्लीज जस्ट अ मोमेंट। Yes. Okay. Hello, everyone. Do you hear me? सभी को नमस्कार। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? So hopefully you're doing great today. मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं आज। I heard from a lot of people that many people doesn't understand why we are launching so many products. मुझे बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोग इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू कम एंड इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म टू प्रोवाइड यू ऑल द इंफॉर्मेशन। तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज उपलब्ध कराऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर कंपनी एंड मिशन ऑफ आवर सीईओ आंद्रे खवरतोव will always remain the same. तो आंद्रे हवरतोव का जो मिशन है, विजन है, वो हमेशा से एक ही रहा है, हमेशा से सेम रहा है। Even that he is right now not available, we are still continuing with his mission. जबकि वो अभी उपलब्ध नहीं है, उसके बाद भी हम अपने मिशन और विजन में लगातार लगे हुए हैं। So and I'm talking right now about one world crew token. लेकिन तो मैं आज आपको एक वर्ल्ड क्रिप्टो यूनिट टोकन के बारे में डिटेल जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। सो वर्ल्ड क्रू टोकन ऑलरेडी प्रोवाइडेड 7 times बोनस प्रॉफिट। वर्ल्ड क्रू ने अब तक 7 बार बोनस प्रॉफिट दिया है। एंड इट विल रिमेन टू कंटिन्यू द सेम वे प्रोवाइडिंग द बोनस प्रॉफिट। और इसी तरह से हम आगे बोनस प्रॉफिट सेम तरीके से हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। एंड अंडर द मेन एसटीओ और मेन वर्ल्ड क्रू टोकन वी हैव मेनी डिफरेंट बिजनेसेस। और WCRU जो हमारा एसटीओ टोकन है, उसके अंडर में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो वर्किंग में हैं, जो काम कर रहे हैं लगातार। You know that our CEO Andrey Kharatov invested as a company into the Skyway technology and these shares remain for main company. तो आपको पता है जैसे कि 2014 से Skyway technology में Anatoly Yunuski की कंपनी में Andrey Kharatov सर ने इन्वेस्टमेंट किया और वो कंपनी से हम आज तक एसोसिएटेड हैं। So whatever success will be with the Skyway, it will automatically will reflect on the entire global portfolio. तो जो भी success Skyway technology आने वाले time में लेगी, उसका result, उसका निचोड़ आपको WCRU token में 100% दिखने वाला है। So also one of our business is a Unitex and any success of Unitex will directly impact the global portfolio. इसी तरह हमारा एक बहुत important project है Unitex, और Unitex की जो success है, उसकी जो profits हैं, वो directly affect करेंगे WCRU के profit को. After that, we have another project and that is a global unit pay. इसके बाद हमारा दूसरा project है, बहुत important project है, जिसका नाम है global unit pay. And you already heard from our CEO Valentin, who already shared that the global unit pay within a 1 year already made $350,000 profit. और आप लोग हमारे ग्लोबल यूनिट पे के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्लोबल यूनिट पे के वैलेंटिन सोलोनिको से आप ऑलरेडी सुन चुके हैं कई बार कि पिछले एक साल में, गत एक वर्ष में हम लोगों ने ग्लोबल यूनिट पे से $350,000 का मुनाफा कमाया है। गिव अ बिग हैंड। सो दैट बिजनेस इज ऑलरेडी जस्ट विद इन अ 1 year ऑपरेशन हैविंग मोर देन 50,000 KYC पास यूजर्स। तो इस एक साल के अंदर
अंदर 50,000 से ज्यादा रिटेल कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनकी केवाईसी नो योर कस्टमर यानी वेरिफाइड यूजर्स 50,000 से ज्यादा हमारे पास ग्लोबल यूनिट पे में हो चुके हैं. एम आई करेक्ट? मोर देन 150 बिजनेसेस आर राइट नाउ यूजिंग ग्लोबल यूनिट पे. इसी के साथ साथ हम तो बात हुई है 50,000 रिटेल कस्टमर की, अब बात हो रही है 150 से ज्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बड़े क्लाइंट्स जिनके पास छोटे 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 रिटेल कस्टमर्स हैं. वी हैव कस्टमर्स हु आर ऑर्डरिंग इन बल्क कार्ड्स वीजा मास्टर कार्ड्स एंड दे आर रीसेलिंग टू देयर कम्युनिटी. कम अगेन. सो वी हैव पीपल और कंपनीज who are ordering like 1,000 cards and they are reselling with a higher price to their community. तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जीओपी के कार्ड को जीओपी कार्ड को खरीदा है और उसको आगे रीसेल कर रहे हैं, अपने अपनी कम्युनिटी को वो लोग रीसेल कर रहे हैं. कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ने हमसे जीओपी कार्ड खरीदा है और वो हमारे जीओपी कार्ड को आगे अपनी कम्युनिटी को रीसेल कर रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं उससे. Corporate lines. And they are selling that with a profit. और वो लोग हमारे से बल्क में ग्लोबल यूनिट पे कार्ड खरीद के अपनी अपनी कम्युनिटी को और महंगे दामों में बेच रहे हैं और हमसे मुनाफा कमा रहे हैं. And this is normal because a lot of people, a lot of companies are using companies who can provide cards and then they are using that as a white label and selling to their community. और ये बहुत नॉर्मल है, कंपनीज ऐसा ही करती हैं. कंपनीज पहले कार्ड मतलब पहले इस तरह के उत्पादों को खरीद लेती हैं और उसके बाद अपना प्रॉफिट बना के वो आगे रीसेल करती हैं. सो एवरी सिंगल एक्टिविटी दैट इज डन बाय थर्ड पार्टीज और कंपनीज और द यूजर्स ऑफ द ग्लोबल यूनिट पे दे आर ऑल जनरेटिंग वॉल्यूम. तो ये जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं चाहे रिटेल कस्टमर के द्वारा हो चाहे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के द्वारा हो, इस एक एक सिंगल एक्टिविटी से हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है ग्लोबल यूनिट पे के, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है ग्लोबल यूनिट पे का और प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं. एंड फॉर द पास्ट ईयर दैट वॉल्यूम वाज 40 मिलियन. और पास्ट ईयर में ये हमारा जो टर्नओवर था वो था 40 मिलियन यानी 4 करोड़ डॉलर. एंड Within this year, we already increased the customers. We already increased the businesses. और इस साल के अंदर हम लोग already बहुत बड़ा business achieve कर चुके हैं पहले से ही. And the only reason why today we are not even in the top 5 payment systems is because of we are not proud of our company. और हम अभी भी टॉप 5 इन सारे पेमेंट प्रोसेसर सिस्टम में, हमारी कंपनी अभी भी टॉप 5 में नहीं आ पाई है क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट प्रमोटिंग. क्योंकि हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कम्युनिटी के एंड यूजर तक उसको नहीं पहुंचा रहे हैं. बिकॉज वी आर नॉट प्रमोटिंग दिस ग्लोबल यूनिट पे इंस्ट्रूमेंट टू द लास्ट मैन ऑफ आर कम्युनिटी बिकॉज वी आर नॉट प्रमोटिंग इट. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, क्या आप जानते हैं स्टीव वॉजनिक को? यू नो हु इज स्टीव वॉजनिक? प्रेस प्रेस प्लस इफ यू नो हु इज स्टीव वॉजनिक. अगर आप स्टीव वॉजनिक को जानते हैं प्लस प्लस का निशान दीजिए. Nobody knows. Now only 2 people doesn't know. Steve Wozniak. Who is the Steve Wozniak? Kaun hai Steve Wozniak? Okay, write it down. He was one of the investors and founders of Apple. आप नोट डाउन कर लीजिए, एप्पल कंपनी का वो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर थे, इनिशियल मेंबर थे. Steve Jobs and Steve Wozniak and there was a Ron Wayne. 3 of them were early investors in Apple. Apple में शुरू के 3 निवेशक थे, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक एंड रॉन वेन. रॉन वेन ये 3 शुरू में शुरुआती निवेशक थे एप्पल के अंदर. And Steve Wozniak still today he is a big shareholder of Apple.
स्टीव वॉजनेक अभी भी हम एप्पल कंपनी के अंदर मेजर शेयर होल्डर है. नॉट मेजर, ही इज अ बिग शेयर होल्डर. ओके, ही इज अ बिग शेयर होल्डर. आज भी वो स्टीव वॉजनेक जो है वो बिग एक बड़े शेयर होल्डर है एप्पल कंपनी के अंदर. यस. And imagine if Steve Wozniak will not going to be proudly talking about Apple. Imagine कीजिए अगर Steve Wozniak गर्व से Apple कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे तो. If he will be walking not with a iPhone but with a Samsung or with a Huawei or with a Nokia or any other. अगर वो Apple फोन को छोड़कर Huawei या Samsung या Nokia या किसी और कंपनी को का उत्पाद यूज करने लगे या उसका प्रचार करने लगे तो क्या होगा? So then, like, it will not going to make sense because he's a co-owner. This is his baby. This is his brand. This is his life. This is something that he is proud of. तो क्या होगा? वो Apple actual में उनका बच्चा है, उनका बनाया हुआ उत्पाद है, उनकी अपनी बनाई हुई कंपनी है, और वो इसी का प्रचार ना करके Samsung, Nokia या Huawei या कोई और कंपनी का प्रचार करने लगे तो क्या होगा? And imagine if he will not going to be promoting. और क्या होगा जब वो उसको प्रमोट करना ही बंद कर दे, अपने एप्पल के मालिक अपने ही उत्पाद को प्रमोट करना बंद कर दे तो क्या होगा? And this is what I feel is happening in our company. और मुझे यही फीलिंग आ रही है, यही हमारी कंपनी में हो रहा है, यही हम लोग हमारी कंपनी में कर रहे हैं. Everyone is just asking when we will get on the market, when we will be getting paid bonus profit, when there will be bigger exposure. But all of us, we are just sitting and waiting when this is going to happen. सब लोग यही इंतजार कर रहे हैं, बार बार यही सवाल पूछते हैं कि हम कब मार्केट के अंदर लॉन्च होंगे, हम कब प्रॉफिट कमाएंगे, और सभी लोग इंतजार करके बैठ रहे हैं या कुछ और कामों में व्यस्त हैं. So, do you want that this company will be growing exponentially, or you want this company grow steady? क्या आप चाहते हो कि कंपनी बहुत धीरे 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 और आराम से तरक्की करे, या आप चाहते हो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी मल्टीप्लाई मैनर में इस तरीके से ग्रोथ करे, या आप चाहते हो ये इस तरीके से नॉर्मल चलती रहे? How you would like to see? कैसे देखना चाहते हो आप, ऐसी ग्रोथ या नॉर्मल ग्रोथ? Press 1 if you want an exponential growth, or 2 if you just want a normal growth. अगर आप अति आकर्षक ग्रोथ चाहते हैं तो 1 प्रेस कीजिए, ऐसे ग्रोथ चाहते हैं, और अगर नॉर्मल ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है ना, तो प्लस 2 टाइप करिए. So then today I will give you very simple solution. तो मैं आज आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक इसका उदाहरण, मतलब एक एग्जांपल देता हूं, एक सॉल्यूशन देता हूं. And press 10 if you want to know today how to increase your network rapidly. और आपको मैं आज एक मंत्र देता हूं जिससे आप अपनी नेट वर्थ यानी अपनी अपनी टोटल जो वर्थ है उसको आप बहुत तेजी से इंक्रीज कर पाएंगे. विदाउट रिक्रूटिंग, बिना रिक्रूट करे हुए. अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी नेटवर्थ को कैसे बढ़ाएं तो प्लीज प्रेस 10 टाइप करिए, 10 टाइप करिए. Without sending referral links, बिना किसी को ज्वाइन कराए, बिना किसी रेफरल, किसी को रेफर करे हुए. Okay, so I see that everyone is ready, so everyone is focused. तो मैं देख रहा हूं कि सब लोग चाहते हैं और सब लोग फोकस कर रहे हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का. I will tell you how I'm doing this today. मैं आपको बताता हूं मैं कैसे कर पा रहा हूं, ये मैं बताऊंगा आपको अभी. I'm contacting any person who is related somehow with the crypto. मैं हर उस व्यक्ति को अप्रोच कर रहा हूं जो किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी तरीके से क्रिप्टो के मार्केट से, क्रिप्टो की दुनिया से जुड़ा हुआ है. मैं हर उस आदमी को संपर्क कर रहा हूं. And I'm asking, are you in the crypto? और मैं उससे बात कर रहा हूं, क्या तुम क्रिप्टो करेंसी में डील करते हो? Do you want to see Swiss-based regulated company where you can store safely your crypto and you will be able in the same place exchange it for the fiat currency and withdraw it on your car or pay through the Google or Apple Pay?
सो इट्स अ लॉन्ग सेंटेंस, सो आई विल ट्रांसलेट. सो मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि मैं जुड़ा हुआ हूँ एक स्विट्जरलैंड बेस्ड स्विस कंपनी से, और उस स्विस कंपनी से मुझे एक कार्ड मिला है जिससे मैं अपने पेमेंट्स कर पाता हूं, क्रिप्टो से रिलेटेड मैं पेमेंट्स कर पाता हूं दुनिया भर के मर्चेंट्स को, वेंडर्स को. एंड पर्सन सेड ऑफ कोर्स शो मी. तो जैसे मैं उनसे कहता हूं कि मैं एप्पल पे की तरह, गूगल पे की तरह मैं ये सारे पेमेंट्स कर पाता हूं, तो दूसरा व्यक्ति कौतूहलवश मुझसे कहता है, दिखाओ मुझे, बताओ मुझे कैसे कर पा रहे हो. And I'm sending him directly to the globalunitpay.ch. और मैं डायरेक्टली उसको globalunitpay.ch की जो साइट है उसका लिंक उसे भेज देता हूँ. globalunitpay. So I will give you the exact. It's in one word. globalunitpay.ch. तो मैं एग्जैक्टली आपको बता दे रहा हूँ. टाइप करिएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम पे जाके www.globalunitpay.ch. And all what I'm doing, I'm just clicking here, share it. You see this one on the top? और आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर, जैसे मैंने ब्राउज़र में टाइप किया ग्लोबल यूनिट पे. Then I'm going here to take copy URL. You see this? Copy URL. Atul. Yes. So you I had typed the globalunitpay.ch in the, yes. Yes, perfect. Then you click share, copy URL, and you send this link to the person without any referral link. Right. So, आप लोग क्या कर सकते हैं, गूगल क्रोम पे जाइए, वहां globalunitpay.ch जैसे ही टाइप करेंगे, एक उसका पेज को ओपन करने का लिंक खुल जाएगा और वहां पर आप उसे कॉपी करेंगे. कॉपी करके आप व्हाट्सएप पर उसको पेस्ट कीजिए और अपने मित्र को वो भेज दीजिए लिंक, ताकि वो उस पे लिंक पे क्लिक करके उस वेबसाइट को ओपन कर ले. And then you are just sending this link and the person is exploring, he is reading about Global Unipay, then he is registering without any referral link. One more time. और उसके बाद वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति उस वेबसाइट को पूरा पढ़ेगा, ठीक है, और आपने उसे कोई रेफरल लिंक नहीं भेजा है, आपने सिर्फ उसे वेबसाइट का नाम भेजा है, उस वेबसाइट में पढ़कर वो अपने आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लेगा और हमारी कंपनी का पार्ट बन जाएगा. And then he is going in and he is seeing that this is a real product, this is a real wallet. You can store your Bitcoin, you can store your USDC, you can store any cryptocurrency. Everything is there. So he sees that this is a real. And he is sending you, thank you very much, Atul, for sharing with me this amazing application. Right. और वो क्या करेगा, वो जब उसको ओपन करेगा उसको पता लगेगा कि जैसे और क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं, ये भी एक क्रिप्टो वॉलेट है, लेकिन ये फिएट और ये फिएट करेंसी को भी सपोर्ट करता है, और ये बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीसी, यूएसडीयू, यूएसडीटी, ठीक है, यूएनटीबी, इन सारे टोकन्स को सपोर्ट करता है, क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता है. और ये देखने के बाद वो उत्साह से आपको कहेगा कि अतुल थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे ये वेबसाइट भेजी और मुझे इस वेबसाइट के बारे में बताया, इस वॉलेट के बारे में बताया. अतुल मोर देन वेलकम, बट यू नो व्हाट, डू यू लाइक इट, डू यू नो दैट दिस कंपनी इज राइट नाउ ब्रिंगिंग इन अ व्हाइट लिस्ट द टोकन व्हिच विल बी यूज्ड एज अ गैस फॉर ग्लोबल यूनिट पे एक्टिविटीज. सो आपको पता है क्या कि ग्लोबल यूनिट पे जो भी व्यक्ति यूज करेगा, उस यूज करने में जो वो कार्ड यूज करेगा, हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति, चाहे वो हमारे समुदाय का हो, चाहे वो क्रिप्टो की दुनिया का करोड़ों लोगों में से एक व्यक्ति हो, अगर वो हमारा ग्लोबल यूनिट पे कार्ड यूज करेगा, तो उसको गैस फीस मतलब ट्रांजेक्शन चार्जेस को पे करने के लिए जो फीस पे होती है उसे गैस फी बोलते हैं, उस गैस फी को पे करने के लिए उसको FNT टोकन की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी. एंड देन आई एम आस्किंग हाउ मेनी टाइम्स यू बॉट टोकन ऑन द एक्सचेंज. और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी बार आपने एक्सचेंज पे ये ग्लोबल आपने एक्सचेंज पे कोई भी टोकन
आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदी है. Because when token reach exchange, it's already making a lot of profit. क्योंकि जब टोकन एक्सचेंज पे पहुंच चुका होता है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा मुनाफा बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा चुका होता है. So that's why I can share with you whitelist access for FNT. तो मैं आपको क्या दूंगा, व्हाइट लिस्ट का एक्सेस दूंगा. व्हाइट लिस्ट एक्सेस का मतलब है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो सिर्फ हमारी ओपन कम्युनिटी में जाने से पहले, बाहर की दुनिया के लोगों को जाने से पहले, हमारी कम्युनिटी के लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है, इसे कहते हैं व्हाइट लिस्ट. तो व्हाइट लिस्ट का ऑफर हमें दिया गया है, दिया जा रहा है. That's it. Simple. Simple, simple सी बात है. And then person is registering under my referral link and then he is buying the tokens and I'm getting my commission. और उसके बाद क्या होगा, पहले वो ग्लोबल यूनिट पे जाकर अपना अकाउंट बना लेगा और उसको जब पता लगेगा कि भाई इस ग्लोबल यूनिट पे कार्ड को रन करने के लिए, गैस फीस के लिए मुझे एफएनटी टोकन बाय करने पड़ेंगे, तो वो मेरे रेफरल लिंक से वो रजिस्टर करेगा और एफएनटी टोकन के पैकेज खरीदेगा और मुझे मेरा रेफरल कमीशन मिल जाएगा. एंड नाउ डू वी हैव पीपल हियर हु आर लाइक अ प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर्स. और मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर क्या ऐसे लोग उपलब्ध हैं जो प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर हैं, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई और धंधा ना तो किया है ना वो कर रहे हैं और वो नेटवर्क मार्केटिंग ही करते हैं 24 घंटे. प्रेस 5 इन द चैट. 5 प्रेस कीजिए जो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही करते हैं. सो इमेजिन दैट टुडे यू हैव अ real business that you can show and give people to test, try, explore and enjoy. तो आज मैं आज आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सर्च करिए, एक्सप्लोर करिए और लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दीजिए. And this particular business is giving you access to sell FNT token which will be used as a gas fee for activities on already existing business platform. तो ये जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी जा रही है FNT टोकन की, ये ऑलरेडी ये जो कार्ड है, इस कार्ड की गैस फी पे करने के लिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर कार्ड होल्डर को चाहिए ही चाहिए. How quickly you can guys make your network growing exponentially. आप लोग कितनी जल्दी से जल्दी अपना नेटवर्क बना के और कमीशंस कमा के FNT टोकन बिकवा के अपना नेटवर्क एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इंक्रीज कर सकते हैं. जस्ट थिंक अबाउट, जरा सोचिए इस बारे में. एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज सक्सेस of this FNT will proportionally will make a success of Global Unit Pay and Global Unit Pay automatically will increase the price of the global portfolio. तो इस FNT टोकन की सक्सेस से ग्लोबल यूनिट पे प्रोजेक्ट में दम आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो ग्लोबल यूनिट पे में जाएगा और ग्लोबल यूनिट पे का प्रॉफिट और ग्लोबल यूनिट पे को मजबूत होने की वजह से WCRU प्रोजेक्ट को दम मिलेगा, बल मिलेगा. Do you understand? क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? And then for those people who are not very keen with the crypto and what they are very let's say uneducated in the crypto field, we have people like this. So then we are showing them real product Evosend. और उसके बाद भी जो लोग क्रिप्टो को बहुत अच्छी तरह नहीं समझते हैं, क्रिप्टो लिटरेट कम्युनिटी नहीं है, क्रिप्टो उन लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज है, उन्होंने अपने स्पॉन्सर के आने, उनके स्पॉन्सर के कहने पे उन्होंने इस कम्युनिटी में, इस कंपनी में पार्टिसिपेट कर लिया था और क्रिप्टो को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उन बिना पढ़ी लिखी जमात, उन बिना पढ़ी लिखी कम्युनिटी को भी हम अपने साथ कैटर कर सकते हैं, अपने साथ पकड़ सकते हैं Evosend के प्रोडक्ट के रूप में. Evosend जो कि एक टच एंड फील वाला उत्पाद है, हम उनको भी अपने साथ समाहित कर सकते हैं. I would like to share with you one quick video. मैं आप लोगों के साथ एक शॉर्ट वीडियो, एक क्विक वीडियो प्ले करना चाहता हूं. This is our factory.
in China. ये हमारी फैक्ट्री है चाइना में. प्लीज ओपन द वॉइस आर्मंड. वॉइस इज नॉट देयर. This is our 75 milliliter bottle. ये हमारी 75 मिलीलीटर बॉटल की पिक्चर है. फैक्ट्री है चाइना के अंदर, उसके इमेजेस हैं. This is one video. ये एक वीडियो है. And this is the final product, how it will look like. And this is the final. ये एक फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आएगा पैकिंग के बाद, ये वाला वीडियो है. आमन, कैन यू प्लीज शेयर दिस वीडियो, बिकॉज द प्रीवियस वीडियो यू हैड शेयर्ड ऑन ट्विटर एंड फेसबुक, बट दिस वीडियो इज नॉट अवेलेबल टू द कम्युनिटी. सो प्लीज डू अवेलेबल एंड डू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू मी, सो दैट आई कैन सर्कुलेट इट इन द कम्युनिटी. एंड दिस इज आवर द हाईएस्ट कलेक्शन. और ये इसका नाम हमारा हाईएस्ट कलेक्शन है. इस परफ्यूम का नाम है हाईएस्ट कलेक्शन. डू यू लाइक द पैकेजिंग? क्या आपको इसकी बाहरी जो पैकेजिंग है ये पसंद आई है? अगर पसंद आई है तो सब लोग प्लस 10 देंगे. इफ यू लाइक द पैकेजिंग पेन प्लीज प्लस 10. सो द पैकेजिंग इज अ टॉप, इट्स लाइक अ, इट्स लक्जरी. द परफ्यूम बहुत विलासतापूर्ण है. मतलब उसको देखकर ही फील आएगा कि यार ये क्या अमीरों वाली ये पैकिंग है, अमीरों वाला उत्पाद है. उसको देखकर ये फील आएगा. परफ्यूम इटसेल्फ इट्स अ लक्जरी, इट्स अ 30% ऑफ एसेंस कंटेंट. ये जो परफ्यूम है ना, ये ऑलरेडी एक विलासतापूर्ण परफ्यूम है, और इसमें 30% से ज्यादा एसेंस पड़ा हुआ है. एंड बिफोर इट वॉज अवेलेबल ओनली फॉर द रॉयल फैमिलीज एंड द बिग सेलिब्रिटीज. और इससे पहले इस तरह का परफ्यूम जो बहुत बड़े शाही परिवार होते थे, रॉयल फैमिलीज होते थे, उन्हीं के लिए बना के देते थे मिस्टर रेमन बिहार. एंड टुडे दिस इज अवेलेबल फॉर अस, एंड नॉट ओनली अवेलेबल, वी आर आल्सो को-ओनर्स ऑफ दिस परफ्यूम. और इससे पहले इस तरह के परफ्यूम शाही परिवारों के लिए उपलब्ध होते थे, और अब ये परफ्यूम हम आम जनता, आम समुदाय के लिए अवेलेबल है. और अवेलेबल ही नहीं है, हम इस को ओनर, इस परफ्यूम के को ओनर भी हैं, सह मालिकाना अधिकार भी हमारे पास. सो अनदर थिंग, द सक्सेस ऑफ एवोसेंट विल प्रोपोर्शनली विल इंक्रीज द सक्सेस फॉर आवर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इस परफ्यूम की सक्सेस से हमारा जो पोर्टफोलियो, उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा. WCRU के पोर्टफोलियो पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा. So that's why Unitex is impacting World Crew. Global UnitPay is impacting World Crew. Eversend is impacting World Crew. तो Global UnitPay की सफलता, FNT token की सफलता, उससे World Crew पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा. Eversend perfume की सफलता, इससे बहुत बड़ा impact WCRU के portfolio पे और profits पे और सारी चीजों पे पड़ेगा. Unitex से बहुत बड़ा impact पड़ेगा. And many other projects, they will all impact one main asset, which is a World Crew. और यही नहीं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनसे World Crew को इफेक्ट पड़ने वाला है. And that's why we launched the promotion where you can get a presentation kit, and that presentation kit will give you the possibility to increase your network. और इसी वजह से हम अब एक और उत्पाद लेकर आए हैं, प्रेजेंटेशन किट्स. वो प्रेजेंटेशन किट्स आप बहुत कम कीमत पे, बिना रेफरल कमीशन के, विदाउट रेफरल कमीशन, आप उस किट्स को अपने अपने टीम में दे सकते हैं, ताकि आपकी टीम उन सुगंध को पहचाने और उसके बाद वो तुरंत परफ्यूम के साथ जो टोकन मुफ्त मिल रहे हैं उसका ऑर्डर दे सकें. एंड देन टुडे विद दिस प्रमोशन एवरी सिंगल पर्सन विल गेट अ टिकट, एंड दिस टिकट्स विल बी ऑनलाइन रफल, एंड फ्यू वन पर्सन विल गेट द ट्रिप पे टू स्पेन टू मीट रोमन, एंड ट्रिप टू दुबई टू गो टू द फैक्ट्री एंड सी वेयर ऑल दैट विल बी मेड. तो
अगर आप ये वाले जो मैं अभी उत्पाद बताए हैं यानी प्रेजेंटेशन सेट्स को खरीद लेते हैं और इसके 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 प्रमोशन पैकेजेस को खरीद लेते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ टिकट्स मिलेंगे और अगर वो टिकट्स आपके आपको मिल जाते हैं तो उसके बाद आपके पास चांस रहेगा कि आप उसमें रेमन बिहार के साथ पर्सनल डिनर करने का ऑफर ले सकते हैं, साथ ही साथ में स्पेन के अंदर आप ये ऑफर ले सकते हैं, साथ ही साथ में आप चाइना में जो फैक्ट्री है इसकी को विजिट करने का भी ऑफर आपको मिल सकता है। So, I see the people here are asking why we are not making in India. I will tell you why. Because in India, people doesn't like Indian perfume. In India, people like either Dubai manufactured perfume or European, France or Spain. Come again, Amin. Okay. Answer to Mr. Skarachandra. Indian people doesn't like to buy perfume made in India. They like to buy perfume made in either Dubai, Spain or France. Right. So, Sharat Chandra ji, आपका एक सवाल है कि ये इंडिया में क्यों नहीं बनाए जा रहे? क्योंकि इंडिया अभी एक सर्वे और हम लोगों ने जो एक निचोड़ निकाला है वो निचोड़ से ये पता लगता है कि जो भारत का जो समुदाय है वो भारत में बने हुए परफ्यूम को पसंद नहीं करता है। वो जो परफ्यूम पसंद करता है वो या तो दुबई में या स्पेन में या फ्रांस में वहां के बने हुए परफ्यूम को पसंद करता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई नॉट, बट वी हैव स्पेशली फॉर ऑल इंडियन टीम स्पेशल वेबिनार ऑन सैटरडे। और इसी वजह से हम लोग ना अपनी इंडियन कम्युनिटी के लिए शनिवार के दिन एक स्पेशल वेबिनार करने जा रहे हैं। एंड ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू सी व्हाट वी आर क्रिएटिंग फॉर इंडियन मार्केट पर्टिकुलरली। और आप उस वेबिनार में आप समझेंगे कि हमने इंडियन मार्केट के लिए स्पेशल हमने क्या डिजाइन करा है, क्या चीज बनाई है। सो प्लीज कम सैटरडे टू द मीटिंग वेयर आवर let's say one of our partner Nurlan, who is shooting the Dragon Man, which was presented in India in Indira Gandhi Stadium in 2019. तो शनिवार के दिन अगर आप वेबिनार में आएंगे तो मैं आपको मिलवाऊंगा Nurlan Mamakiv से, जिन्होंने हमारी जो मूवी है ड्रैगन मैन उसको प्रोड्यूस किया है। ही इज अ प्रोड्यूसर ऑफ दैट मूवी, उन्होंने उसको प्रोड्यूस किया है। और आपने इवेंटी 2019 को जब आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आए थे तो आपने उसका एक शॉट एक स्किट एक शॉट आपने उसका एक नाट्य रूपांतरण आपने एक मंचन देखा था एवोस हमारे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में स्टेज पर सबके सामने। एंड फर्स्ट टाइम ever Nurlan will present movie trailer. और पहली बार first time जिस दिन आप शनिवार को आएंगे उस दिन Nurlan Mamakiv जो producer है इस Dragon Man movie के वो आपको first time इसके trailers दिखाएंगे, detail trailers दिखाएंगे। पहली बार world में आप लोग और हम लोग सब लोग ये trailer देखेंगे जो Nurlan हमें पहली बार दिखाएंगे। And success of movie also will impact directly the entire global portfolio. और इस movie की जो success है वो भी WCRU यानी जो हमारा global investment portfolio है उसकी success को जो है वो affect करता है। अगर ये movie super duper hit और success होती है तो उसके अच्छे revenues से हमारे WCRU के revenue भी और profits भी बहुत अच्छी तरह आएंगे। So that's why so many things are going behind the scenes while you are waiting when the world crew will get the roadmap. तो पर्दे के पीछे ना बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन हम लोग और आप, लेकिन स्पेशली आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका रोडमैप आएगा। Is it clear? क्या ये सब क्लियर है आपको? अगर सबको क्लियर है तो प्लस 15 देंगे सब लोग। प्रेस 15+15. I hope that it's clear for you that we never ever forgot
about the main mission. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नहीं भूले होंगे हमारा जो मेन मिशन है उसको आप लोग नहीं भूले होंगे. Because success of any small companies will impact the main asset. क्योंकि छोटे छोटे हमारे जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट है ना इनकी सफलता पूरी तरह से इफेक्ट करती है पूरी तरह से जो है उसकी सक्सेस हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है WCRU STO जो है उसकी सफलता को बढ़ाती है उसकी सफलता को इम्पैक्ट करती है. ये छोटी छोटी हरकतें या छोटे छोटे हमारे जो ये हमारे जो प्रोजेक्ट हैं ये WCRU की सफलता को इम्पैक्ट करते हैं. So that's why every single one of you can witness today real projects, real businesses, real products, and then you make your decision. Does company made progress during the COVID and all this special operation times, or we are standing still? तो आप लोग हमारे इन क्रियाकलापों से स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड के दौरान भी क्या हम लोग वर्किंग कर रहे थे या सारी चीजें चल रही थी या हम लोग शांत बैठे हुए थे या हम लोग प्रचंड रूप से अपने काम में अग्रसर थे या काम कर रहे थे लगातार काम कर रहे थे सारी चीजें कर रहे थे. सो दैट्स व्हाई प्लीज मार्क इट डाउन सैटरडे वेबिनार ऑल द लिंक्स विल बी शेयर्ड. Attend it, invite all the people. If they want to see what will be created for Indian market particularly, they have to come Saturday. तो जैसे कि आप लोग हमेशा कहते हैं, you people are always inquiring that what we are not doing anything for the Indian community. Why company is not giving any project for the Indian community? तो शनिवार को आप लोग देख सकते हैं कि स्पेशली इंडियन कम्युनिटी के लिए एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है और नुरलान मामा की बताएंगे आपको कि क्या इंडियन कम्युनिटी के लिए उन्होंने किया है. नुरलान मामा की ऑन सैटरडे विल एक्सप्लेन यू व्हाट ही हैड डन फॉर द इंडियन कम्युनिटी एंड विद होम और किसके साथ. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वेरी हाई पोजिशन पीपल इन इंडिया ऑलरेडी मेट नुरलान एंड दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट हिज his movie that he created. तो दोस्तों बहुत बॉलीवुड के बहुत प्रभावशाली अति प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग और बहुत बड़े बड़े लोग भारत के बड़े बड़े लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं ठीक है इस प्रोजेक्ट को लेकर और ऑलरेडी उनसे कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है और वो लोग बहुत उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर. So now to conclude. तो अब मैं सम अप कर रहा हूं सारी बातों को. Global UnitPay is the easiest and the fastest way of growing your network with providing access to the real platform which has a lot of options for crypto and fiat money. तो Global UnitPay एक बहुत सशक्त माध्यम है आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करने का और अपने नेटवर्क और हर उस व्यक्ति तक पहुंचने का जो क्रिप्टो टू फियट और फियट टू क्रिप्टो की सुविधाएं और फैसिलिटी लेना चाहता है उन तक पहुंचने का एक बहुत सशक्त माध्यम है. एवरसेंट यू आर बाइंग योर प्रेजेंटेशन सेट इन ऑर्डर फॉर giving people to try what kind of 8 fragrances will be available and when they want to buy it, there will be only one way through your network. So Avocent भी एक बहुत बड़ा माध्यम है और देखिए Avocent के जो टोकन के साथ जिन लोगों ने उत्पाद लिए थे उनको पहुंचने में अभी अक्टूबर एंड का समय लगेगा लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं प्रेजेंटेशन सेट्स अभी आप लोगों को दिया गया है जिसके बारे में अभी बताया आर्मंड ने कि स्पेन में रेमन बिहार के साथ आपको डिनर मिल सकता है या आप चाइना की फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं तो वो प्रेजेंटेशन सेट्स रेडीली अवेलेबल हैं और उन प्रेजेंटेशन सेट को आप बाय करके अपने अपने लोगों को कस्टमर को अपनी कम्युनिटी को दिखा सकते हैं स्मेल करा सकते हैं ताकि वो तुरंत Avocent के पैकेजेस को बाय करने के लिए अपना मन बना ले. एंड एज अ चेरी ऑन द टॉप वन ऑफ यू विल बी एबल टू गेट फुली पेड ट्रिप टू स्पेन और फुली पेड ट्रिप सेकंड प्लेस विल गेट टू Dubai.
और अगर आपने ये कर लिया तो आपको एक फुल्ली पेड ट्रिप, यानी यू मीन टू से द एयर एक्सपेंसेस, द बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस, द होटल एक्सपेंसेस, द एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दैट, यू नो, इज इट करेक्ट? यस, देयर विल बी one like a trip to Dubai back to your country and hotel will be paid. Okay, so agar aap देखिए दोबारा से समझिए, मैं इजी भाषा में समझाता हूँ कि प्रेजेंटेशन सेट्स कंपनी के पास बिल्कुल तैयार पड़े हैं, जो अक्टूबर में जिन लोगों ने अभी तक चार स्टेजेस तक टोकन बुक कराए हैं, उन टोकन के साथ जो प्रेजेंटेशन सेट और जो 75 ml की बोतल मिलनी है वो अक्टूबर तक शिपमेंट होके आएगी, लेकिन कंपनी के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है प्रेजेंटेशन सेट, जो 8 perfume वाले जो प्रेजेंटेशन सेट है वो तैयार पड़े हैं, आप उनको लेकर आप अपने समुदाय को दिखाइए, उनको टेस्ट स्मेल को टेस्ट कराइए, और उसके बाद अगर वो पसंद आता है उन्हें तो उनको ऑर्डर कराइए। तो अगर आप ये कराने में कामयाब होते हैं तो आपको टिकट मिल जाएगा स्पेन का फुल्ली पेड टिकट, और आपको टिकट मिल जाएगा दुबई वो सॉरी चाइना का फुल्ली पेड ट्रिप, जिसमें आप फैक्ट्री को विजिट कर सकते हैं, या आप स्पेन में जाकर आप रेमन बिहार को से मिलकर साथ उनके साथ डिनर कर सकते हैं, और वो फुल्ली पेड ट्रिप होगा जिसमें एयर एक्सपेंसेस एंड होटल एक्सपेंसेस एंड एयर एक्सपेंसेस होटल एक्सपेंसेस सब कुछ इंक्लूड होगा। To Dubai and Spain. Dubai और Spain के लिए, sorry, China के लिए नहीं, Dubai और Spain के लिए, Dubai की factory plus first, Spain के first place who will have tickets, raffle tickets, will win trip to Spain to meet Ramon. पहला जो prize है वो है कि Raymond Bihar के साथ आप Spain में मिल सकते हैं and personally उनके साथ dinner कर सकते हैं, और पूरा खर्चा आने जाने का सब कुछ कंपनी का होगा। Second place, visit Dubai. और दूसरा जो उपहार है, दूसरा जो प्राइस है, वो दुबई में जाकर आप फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं, जिसमें भी दुबई आने जाने का खर्चा और होटल का खर्चा और एयर टिकट सब कुछ इंक्लूड होगा। And third place, that will be Quarzo, the circle, Ramon Bihar, most expensive, not one of the expensive perfume, crystal perfume. तीसरा जो है वो आप जीत सकते हैं कि क्वार्ज़ो परफ्यूम, जो कि रेमन बिहार का एक बहुत ही एक्सपेंसिव परफ्यूम है, जो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट परफ्यूम अमन? आई थिंक ओवर $1,000। $1,000 का वो एक परफ्यूम की बोतल है, यानी 85,000 रुपए की कीमत है उस परफ्यूम की। तीसरा प्राइज आप वो परफ्यूम की बोतल जीत सकते हैं। सो आई होप दैट नाउ इट्स क्लियर एंड आई सी यू सैटरडे फॉर वन ऑफ There's a one of our assets taking off moment. तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप शनिवार को हमारे जो प्रोजेक्ट है अपकमिंग प्रोजेक्ट ड्रैगन मैन, जिसके सारे ट्रेलर मूवी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, दिसंबर तक रिलीज के लिए तैयार है, नूरलान मामा की आएंगे और बताएंगे उन्होंने इंडियन कम्युनिटी के लिए, इंडियन समुदाय के लिए क्या है उस मूवी के अंदर, वो दिखाएंगे आपको। तो सैटरडे का प्रोग्राम बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। एंजॉय योर day. Thank you very much for all your support and see you Saturday. Thank you Atul. Bye bye. Thank you Armand. और Armand कह रहे हैं कि आप लोग Saturday का इंतजार कीजिए, Saturday को आइए और that's all. So friends, I think मजा आया होगा आपको आज के प्रोग्राम में। अगर मजा आया Armand को सुनने के बाद तो +1,000 दीजिए, और साथ में +10,000 दीजिए अगर जो मैंने ट्रांसलेशन करी आपको भाषा शैली संवाद बिल्कुल सही समझ में आया है, तो 1,000 भी दीजिए और 10 प्लस 10,000 भी दीजिए। Armand is typing 1 crore, आई सपोज 1 crore और 10 crore। चलिए तो देखिए अब हम कुछ और बात कर लेते हैं। अभी भी देखिए 89 लोग अभी भी हैं, ठीक है, और मुझे लगता है कि हमें अब जो ये प्रेजेंटेशन है आज की, ये हमें कल करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 9:45 हो गए, 8:30, 9:45, 1 hour 15 minutes हमें हो चुके हैं, और हमेशा से फिर लोगों की शिकायत होती है कि सर आप प्रोग्राम बहुत लंबा कर देते हैं, तो प्रोग्राम हम आज लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, बस सिर्फ 15 minutes लूंगा, ताकि जो आज जो बात हुई ना उसको हम एक इसका एक निचोड़ और एक सार निकालें। देखिए हम सब लोगों को ना एक बात दोस्तों बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। मैं उस समय जब मैंने बात करी थी, फिर अबू भाई आ गए थे और मुझे YouTube लाइव करना था, तो वो बात बीच में कट गई थी। आज इस कंपनी में आने के बाद हमने क्रिप्टो सीखी, इन्वेस्टमेंट सीखी, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सीखी,
ठीक है, 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर सीखे, जो हम लोगों को आम मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो दाल आटा चीनी चावल या स्कैम वाले एमएलएम प्लान करते थे, उन्हें ये सब चीजें सिखाई इस कंपनी ने। और इन द मीन टाइम हमारे कुछ, हमारी कंपनी के साथ कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स आए जिसकी वजह से हम थोड़ा सा पिछड़ गए, और उस दौरान लोगों ने सोचा कि ये बस ये तो कंपनी हो गई औरों की तरह, जैसे आया गया राम, आया राम गया राम, आया राम गया राम होता है, इस तरह से ये कंपनी हम निपट चुकी है। और उसी दौरान मार्केट में आरओआई प्लान देने वाली कंपनी क्रिप्टो में चालू हो गई, और लोगों ने सोचा वो असली दुनिया है, ये असली दुनिया नहीं है। बिलीव कीजिएगा, आज 4 साल हो गए हैं मुझे इस कंपनी में, मैं आज भी इस कंपनी में उतना ही विश्वास करता हूं जितना पहले करता था, आज शायद और ज्यादा विश्वास होने लगा है। हाँ, एक समय आया था मेरा भी विश्वास डगा था, मेरा भी विश्वास डिगा था, और मैं भी इधर उधर ऑप्शंस देखने लगा था, क्योंकि 1 साल तक मैं भी खाली बैठा था, मेरी भी टीम टूट टूट के इधर जा रही थी, तो मुझे लगा यार कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। लेकिन मैंने भी कुछ सोचा और हल्का सा प्रमोट भी करना शुरू करा, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि एवोसेंट जैसा अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हमारे साथ जुड़ गया है, मैंने वो सब कुछ छोड़ के मैं वापस आ गया। क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आती है, मुझे एक नॉर्मल सी चीज समझ में आती है कि हमारी कंपनी नॉर्मल एमएलएम कंपनी नहीं है, हमारी कंपनी स्टॉक मार्केट पर आधारित सिद्धांतों पर काम कर रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल है, टाटा स्टील का शेयर 1,000 रुपए है, ठीक है, और टाटा स्टील को अभी एक, मतलब टाटा स्टील का टाई अप इंडियन रेलवे से हो जाता है, और इंडियन रेलवे अनाउंस करता है कि अगले 5 साल तक हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से स्टील की पटरियां या लोहे की जो पटरियां हैं वो हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ना खरीद के हम टाटा स्टील से खरीदेंगे, तो डेफिनेट बात है टाटा स्टील का जो शेयर है वो बढ़ जाएगा और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाउन हो जाएगा, क्योंकि टाटा स्टील को अगले 5 साल तक भरपूर भरपेट ऑर्डर मिल गया। और उसके बाद क्या होगा, टाटा स्टील के टाटा स्टील की जो पटरियों की मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेगी, और जब बढ़ेगी, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, और अपने निवेशकों को जिन्होंने आईपीओ स्टेज में और बाद में शेयर मार्केट से उनके शेयर को खरीदा होगा उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा प्रॉफिट के लालच में लोग और ज्यादा उनके शेयर खरीद खरीद के अपने पास रखेंगे ताकि उनको डिविडेंड मिले। तो क्या हुआ, शेयर मार्केट और टाटा स्टील एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पर आधारित वो चीज हुई, तो प्रोजेक्ट पर आधारित चीज कभी भी फेल्योर नहीं हो सकती। तो हम लोगों को देर जरूर लग रही है, हम लोगों को समय जरूर लग रहा है, लेकिन हम सक्सेस होंगे ही होंगे। अब टाटा स्टील के पास सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ स्टील, वो मतलब स्टील की या लोहे की पटरियां बनाना, हमारे पास दर्जनों काम है, ठीक है ना। आंद्रे हवर्तव हमेशा इस WCRO को S&P 500 से कंपेयर करते थे। S&P 500 अमेरिका का एक ऐसा इंडेक्स शेयर है जिसमें बहुत सारी 500 कंपनीज का मिला जुला निचोड़ है, ठीक है ना, जैसे बर्कशायर हैथवे है, तो उससे कंपेयर करा जाता था। तो अब समझ में आता है दोस्तों, बिलीव कीजिएगा, फरवरी 2019 में जब मलेशिया के अंदर बंगी कन्वेंशन सेंटर में जब सीआरयू की आइडियोलॉजी बताई जा रही थी, बताया जा रहा था कि 20 सेक्टर के अंदर निवेश होगा, तो सिर्फ एक आइडियोलॉजी थी, हमें कुछ भी नहीं पता था भविष्य में क्या होगा, सब लोग अंधे कुएं में पैसा डाल रहे थे, और उस समय बंपर इन्वेस्टमेंट आई। उसके बाद अक्टूबर में 2019 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इवेंट हुआ, कितने ज्यादा लोगों ने इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया, ठीक है ना, जब तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ हवा में था, आज सब कुछ यथार्थ है। तब ग्लोबल यूनिट पे नहीं था, तब FNT टोकन नहीं था, तब एवोसेंट नहीं था, तब यूनिटेक्स नहीं था, तब बसाल्ट नहीं था, तब गोल्ड माइन डायमंड माइन नहीं थी, तब स्काईवे के सिर्फ बेलारूस का प्रोजेक्ट बना हुआ था, दुबई का प्रोजेक्ट लगा भी नहीं था, और इतने आगे वो लोग नहीं गए थे, ठीक है, और तब क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन नहीं बनी हुई थी, ठीक है, तब इतने सारे एक्सचेंजेस पर कॉइन गीको, कॉइन मार्केट कैप, AAX एक्सचेंज, ठीक है, ये सब नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक आइडियोलॉजी थी। आज सब कुछ है, सारी ग्राउंड हमारे पास तैयार है, पिच तैयार है, लेकिन लोगों की सुई बार बार वहीं पर आके अटक जाती है। क्या अटक जाती है, डिविडेंड कब आएगा, WCRO हम कब सेल कर पाएंगे, भाई इंतजार करना पड़ेगा। सब चाहते हैं कि हमारा ये WCRO 10 रुपए का MRF शेयर की तरह, जो दादाजी ने 20 साल इंतजार करा था, और आज की 60,000 रुपए 1.5 साल पहले कीमत, आज 80,000 रुपए कीमत है, सब चाहते हैं WCRO का वही हाल हो, लेकिन इंतजार कोई करना नहीं चाहता, ये कैसे होगा, सबर तो करना पड़ेगा ना। और आप देखो, ये तो बहुत अच्छा हुआ, वक्त की मार अच्छे अच्छों की आंखें खोल देती है, वक्त की मार ने कितनी सारी कंपनीज को, आरओआई वाली कंपनीज को डुबा दिया, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बहुत सारी कंपनीज, कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम, इंटेलिजेंट प्राइम कैपिटल पीछे आई, हो हल्ला हुआ, सब कुछ हुआ, चली गई, FPP ट्रेड बहुत हो हल्ला आया हुआ, चली गई, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी और कंपनी है जो 3%, 4%, 5%, 6% की ग्रोथ उसी कॉइन में देती थी,
प्लस डेली आरओआई वाली कंपनी 0.5% देती थी, फिर 0.3% करा और अब वो भी रुक गया, और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी कंपनी आई जो आई और खत्म हो गई। हम आज भी हैं, हम कल भी हैं और हम हमेशा रहेंगे, ये चीज समझने वाली बात है, ठीक है ना। और हमारे क्रियाकलापों को देखिए, देखिए आंद्रे हवरतोव जो मेन आदमी थे वो डिटेंशन में है मार्च से, उसके बाद भी एक्टिविटी रुकी नहीं है। आर्मंड और मिला के अथक प्रयासों से कॉइन गीको में लिस्टिंग हुई, कॉइन मार्केट कैप में लिस्टिंग हुई, एएएक्स एक्सचेंज में यूएनटीबी की लिस्टिंग हुई, ठीक है। उसके बाद एवोसेंट के जो और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं उनकी सारी डिटेलिंग हो गई, वो सारे लगभग लगभग तैयार है, शायद दुबई में देखने को मिल जाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अबू बकर जी इस बात को बताएंगे कि शायद मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। उसके अलावा एफएनटी टोकन लॉन्च हो गया, एफएनटी के पिछले एक साल के अंदर 200 से ज्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट हो चुके हैं, 50,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और एक चीज बता दूं, ग्लोबल यूनिट पे की रीच कहां तक है, हर वो व्यक्ति दुनिया का जो क्रिप्टो करेंसी में डील करता है, हर वो व्यक्ति को ग्लोबल यूनिट पे के कार्ड की जरूरत है, आज नहीं तो कल पड़ेगी। क्योंकि दिक्कत क्या है कि मैंने अबू बकर साहब को या अबू बकर साहब ने मुझे यूएसडीटी ट्रांसफर करे और कहा अतुल मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दो, मैंने हाथ खड़े कर लिए, मैं तो नहीं देता पैसे, तो अबू बकर साहब जाकर थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी की रिपोर्ट भारतीय सरकार नहीं लिखेगी, तो उनका पैसा गया। लेकिन अगर इनके पास कार्ड है तो इन्हें मेरा मुंह देखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे बोनस वॉलेट में जो पैसा आ रहा है वो भी उस कार्ड से निकाल सकते हैं, या यूएसडीटी इनके पास है, यूएसडीसी है, वो भी निकाल सकते हैं, क्रिप्टो सीआरयू और यूएनटीबी भी निकाल सकते हैं, बिटकॉइन इथेरियम भी निकाल सकते हैं, और आने वाले टाइम में जो और क्रिप्टो इसमें ऐड होंगी वो भी ये निकाल सकते हैं इंडियन करेंसी से, इंडियन जो है क्या कहते हैं एटीएम से, या किसी भी पेट्रोल पंप पे या लिवाइस के शोरूम पे या पैंटालून शोरूम पे जहां पे कार्ड स्वाइप किया जाता है, या अमेजॉन फ्लिपकार्ट को ऑनलाइन 16 डे डेबिट कार्ड नंबर और सीवीवी नंबर डाल के जाते पेमेंट करते हैं, वैसे हम पेमेंट करके अपना पैसा निकाल सकते हैं, तो इन्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। इसी तरह लाखों करोड़ों यूजर्स जो क्रिप्टो में काम करते हैं उनको, हर वो व्यक्ति इस कार्ड का पोटेंशियल कस्टमर है। अब सोचिए स्काई इज द लिमिट। कल रात मैंने ऑर्डर किया है अपना ग्लोबल यूनिट पे कार्ड, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ये है मेरा ग्लोबल यूनिट पे कार्ड का ऑर्डर। वी ऑर्डर्ड आर जीयूपी फिजिकल स्टैंडर्ड मास्टर वीजा कार्ड सक्सेसफुली, मैंने ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। याद देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर साइड में देखिए, ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर ग्लोबल यूनिट पे स्विट्जरलैंड, ये एड्रेस पड़ा हुआ है। मैंने कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट किया, स्विट्जरलैंड में पेमेंट चला गया, और ये मेरा पेयर अकाउंट है, ये मैंने जो कुछ चीजें ब्लर कर दी हैं, ठीक है। ये मेरा मुरादाबाद का घर का एड्रेस है, ठीक है। ये फिजिकल कार्ड नंबर है और ये है, काम खत्म। इसी तरह ये भावना मैम का कार्ड है, ये भी कल हम लोगों ने कर दिया, दोनों के पास अगले 14 दिन में कार्ड आ जाएंगे। तो आप इमेजिन कीजिए ना, हम लोग कहाँ खड़े हैं और आने वाले टाइम में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंड कीजिए इस प्रोजेक्ट पे भरोसा रखिए, इस प्रोजेक्ट पे भरोसा रखिए। जितनी भी मैं सिंस 2008 नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट प्लान में काम कर रहा हूं, एक कंपनी मैं नहीं जानता जो आरओआई वाली कुछ दिनों तक चली। बस हम लोग क्या सोचते हैं, मैं आ जाऊं जल्दी से जल्दी, जैसे कंपनी स्टार्ट हुई आरओआई पकड़ ली कंपनी में, मैं आ जाऊं और मेरे नीचे पहले लेवल दूसरे लेवल तीसरे वाले लोग लेवल के लोग कमा जाएं, उसके नीचे जो पब्लिक आएगी वो मरे भाड़ में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम हर बार ये अपराध अपने ऊपर लेते हैं और अपने ऊपर ये इल्जाम लेते हैं और पब्लिक की बददुआएं लेते हैं, जब हमारे पास एक इतना अच्छा वेल सेटल्ड बिजनेस है, ठीक है। अगर पब्लिक जा रही है उन्हें जाने दीजिए, आप समझिए। बहुत सारे लोग देखिए, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे मार्केट में जो ऑथेंटिक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको नहीं चाहिए आरओआई वाले प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उन लोगों को लाइए ना, जरूरी थोड़ी अगर दुनिया भाग रही है तो आप भी भागेंगे। एंड बिलीव मी, हम लोग जो काम करने वाले हैं, जो काम कर रहे हैं, हम लोग 8 साल से मार्केट में हैं। कोई कंपनी बता दीजिए जो 8 साल से मार्केट में हो। अब आप लोग कहेंगे इस कंपनी ने दिया तो कुछ नहीं है, सिर्फ लिया ही लिया है। अरे भाई, आंदे सर ने कभी नहीं कहा था कि इतना लगा के इतना मिलेगा। ये तो हमारे कुछ पूर्व के लीडर थे जो कंपनी से 20-25 करोड़ रुपए लेकर भी भाग गए, चोर जो थे, उन लोगों ने स्टेज पे खड़े होकर अपनी अपनी टीमों के सेल्स बढ़ाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए ऐसा कह दिया कि 1 लाख रुपए लगा दो और अक्टूबर 2009 के बाद 10,000 रुपए महीना ले जाना। ये तो उन लोगों की फैलाई हुई गलतफहमियां थी जिसकी वजह से नेटवर्क ने सफर करा और कंपनी के हम पार्टनर्स ने सफर करा, वरना आंद्रे हवरतोव की कभी भी आइडियोलॉजी ऐसी नहीं थी। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि देखिए, कुछ लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि आंदे सर ने ये प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस किया था, तो मैं बता दूं, उन्होंने ये कहा था, अगर हम इतना बड़ा समुदाय बना लेंगे, अगर हम इतने टर्नओवर हमारे हो जाएंगे, इतने प्रोजेक्ट लग जाएंगे, ठीक है, तो हम
इतना डिविडेंड और ये सब एक्सपेक्टेड हो जाएगा अगर इतनी प्राइस की ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन कोविड के चलते और बहुत सारी चीजों के चलते वो सारी चीजें नहीं हो पाई ना, उतना सारा पैसा कंपनी के पास नहीं आ पाया ना, वो सारे प्लान्स गड़बड़ हो गए ना। जैसे यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में अमेरिका और यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन के विवाद के बाद अमेरिका ने मना कर दिया कि हम एसटीओ करने नहीं देंगे, तो कंपनी को क्या करना पड़ा, कंपनी को दुबई में जाना पड़ा। और दुबई में आर्मंड ने क्या करा, आर्मंड और मिला और ये सब लोग जो है दुबई के अंदर, इन्होंने आर्मंड ने बेंटले कार खरीदी अपने पैसों से, कंपनी के पैसों से नहीं, अपने पैसों से, सी साइड पे बहुत बड़ा विला लिया, ठीक है, ताकि अमीर लोगों के बीच घुसपैठ बनाई जाए, अभी लोगों के बीच उठा बैठा जाए, ताकि उनसे रिलेशन बनाया जाए, क्योंकि प्लान बी उन्हें तैयार करना था, प्लान बी पे वो वर्किंग कर रहे थे। जब अमेरिका ने मना किया तो ये लोग दुबई में आए, और दुबई में मोहम्मद खलीफा जो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जैसे मैंने अभी बता रहा था पीछे, जैसे भारत में रेरा है, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, ऐसे दुबई में वर्चुअल एसेट रेगुलेशन अथॉरिटी वारा को स्थापित किया जा रहा है, ताकि क्रिप्टो करेंसी पे लगाम लगाई जाए। क्योंकि आप कॉइन मार्केट कैप पे, मैंने कल भी दिखाया था और मैं दोबारा दिखा सकता हूं, आप देख सकते हैं रिसेंटली एडेड कॉलम में क्रिप्टो करेंसी में कॉइन मार्केट कैप पर जाइए, वहां डेली 20 कंपनी लॉन्च होती है, 20 करेंसी लॉन्च होती है, हर करेंसी की सप्लाई ट्रिलियंस में है, और हर करेंसी कह रही है कि हम आज नहीं तो कल एक डॉलर के हो जाएंगे। तो भाई पूरी दुनिया का पैसा भी अगर लगा दोगे ना, तो पूरी दुनिया का पैसा भी लगा दोगे ना, तो ये जो शिबा इनू है ना, पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का पैसा भी लगा दोगे ना, सॉरी, तो भी ये शिबा इनू एक डॉलर का नहीं होने वाला है, इतनी ज्यादा सप्लाई है। तो ये जितनी भी करेंसी आ रही है सब फेक प्रोमिसेज ही तो कर रही है ना, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आने वाले टाइम में ना, अपने आप छटाई हो जाएगी जितनी भी ये फेक करेंसीज हैं। अभी तो ये बढ़ रहे हैं लोग कुकुरमत्ते की तरह, क्योंकि दुनिया के अंदर जनसंख्या बहुत है, लोगों को घर बैठे हुए आमदनी चाहिए, लोग वर्क फ्रॉम होम करके आराम से इजी मनी कमा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब इनकी फिल्ट्रेशन होगी तो इन कंपनियों से पैसा छट छट के प्रोजेक्ट पर आधारित कंपनियों के प्रोजेक्ट में लगेगा, और प्रोजेक्ट आधारित कौन है, हम लोग, हमारे जीयूपी पे, हमारे एवोसेंट पे, हमारे आगे बसाल्ट के टोकन भी आएंगे, गोल्डमैन डायमंड माइन के टोकन भी आएंगे। आंध्र सर ने पहले ही कह दिया था, कुछ लोग यहां पर ये बोलेंगे कि भाई टोकन ही लाते रहना और कुछ मत करना, पहला सक्सेस करा नहीं जा रहा, दूसरा तीसरा ले आए वो नहीं कर रहा, आगे की बात कर रहे हो। अरे भाई यही तो आइडियोलॉजी थी, हमारे प्रोजेक्ट्स को, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को टोकनाइज करना है, ये तो पहले दिन से है। अब इस आइडियोलॉजी को अगर आपके ये जो चोर अपलायन थे जो इंडिया से पैसा लेके भाग गए, अगर वो चोर अपलायन आपको सही आइडियोलॉजी नहीं बता पाए और डिफरेंट चीजें बताकर आपकी सेल उठा के चले गए, तो उसमें कोई क्या करे। आप बताइए, मुझे कटघरे में खड़ा कर दीजिए, अगर मैंने आपके साथ कभी कोई गलत कमिटमेंट करी हो या गलत आपके साथ बयानबाजी करी हो, मैंने हर अल्फाज बहुत सोच समझ के और नपे तुले अंदाज में बोला है, ठीक है ना, और इसी वजह से आप लोगों का प्यार मिलता है, और इसी वजह से पूर्व में जो कुछ लोग थे जो ऊपर की गद्दी पे बैठे थे वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे, मेरे अगेंस्ट रहते थे, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग, मैं खुल के बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो उनके पिछलग्गू थे और जो उनके जो पीछे लगे रहते थे वो उनको सपोर्ट करते थे, ठीक है, लेकिन मैंने तब भी गलत चीजों का कभी साथ नहीं दिया और उन लोगों का बिल्कुल साथ नहीं दिया। और आंद्रे सर ने जब वो इंडिया आए ना, तो इन सब चीजों को इन्होंने अंडरस्टैंड किया कि आई वॉज द ओनली पर्सन जिसने हमारा जो पूर्व जो व्यक्ति पैसा लेके भाग गया उसके अगेंस्ट मैं ही खड़ा था इंडिया के अंदर। उन्होंने इस बात को रिकग्नाइज किया और उन्होंने सारे लोगों से पूछा क्या किसी और ने सपोर्ट किया था, नहीं किया था। मेरी ही मेल्स गई थी आंद्रे सर को कि सर मुझे बहुत सारी चीज फिशी दिखाई दे रही है, ठीक है ना, लेकिन दुनिया को क्या लगता था, दुनिया को क्या लगता था, टर्नओवर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो उनको वो चीजें अच्छी लगती थी और उसने आंखों में धूल भी झोंक रखी थी, तभी ये चीजें हुई और तभी ये चीजें गड़बड़ हुई, ठीक है ना। तो लेट्स नॉट गो इन द बैकग्राउंड, वो सारी चीजें हो चुकी, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, देखिए पीछे कितना बुरा टाइम आया, ये सारा गड़बड़ी हुआ, मतलब 20-25 करोड़ का सब कुछ गड़बड़ हुआ, ठीक है, हालांकि उसको पुलिस कार्रवाई वगैरह सब कुछ चले, ही विल बिहाइंड द बार्स वन डे डेफिनेटली, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा, हमारा आपका पब्लिक का पैसा था, उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। आंद्रे सर चुप्पी चाहे थे तो सारी कार्रवाई करके गए, उसके अलावा, ठीक है, और दूसरी बात, समुद्र में से 2-4 बाल्टी पानी निकाल लोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कंपनी इतनी विशाल हो चुकी है, विशाल बरगद बन चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी चीज, एसटीओ नहीं करने दिया गया, ठीक है, तीसरी चीज आंद्रे सर डिटेंशन में चले गए, इतनी सारी नेगेटिविटी के बावजूद भी हम स्टैंड खड़े हैं और आंद्रे सर के डिटेंशन को आज 8 महीने हो रहे हैं, उसके बाद भी हम लगातार तरक्की कर रहे हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया, कॉइन गीगो, कॉइन मार्केट कैप, यूएनटीबी, एएक्स एक्सचेंज पे आना, एवोसेंट के सारे प्रोडक्ट्स बनाना, एफएनटी टोकन आना, ठीक है ना, अभी इवेंटी करने जा रहे हैं हम लोग अक्टूबर में, 31-31 अक्टूबर को हम लोग दुबई में मतलब ये अपना इवेंटी करने जा रहे हैं, ये सारी गतिविधि चल रही है आंद्रे सर के बिना भी। तो जो लोग हमेशा चिंता करते थे कि भगवान ना करे आंद्रे सर को कुछ हो गया तो वन मैन गेम है इस कंपनी का क्या होगा, आज सत्य चरितार्थ हो गया, सिर्फ एक आगे एक आदमी के नीचे दंगा नहीं बह रही है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये ग्रुप ऑफ कंपनी है, कल आपके अंदर दम होगा तो आप स्ट्रेटेजिक काउंसिल में जाके बैठेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, सारी चीजें अंडर कंट्रोल है, बिलीव मी, वी आर
वी विल बी 100% सक्सेसफुल। एंड बिलीव मी, आपको कुछ चीजें मेरी सत्य चरितार्थ भी लग रही होंगी, क्योंकि अगर ये जो बाढ़ आई थी इतनी सारी कंपनियों की जो आरओआई वाली कंपनी देती थी, अगर ये फेल नहीं होती तो शायद आज आप मेरी बात पे बिल्कुल ही बिलीव नहीं करते लोग। आप ये कहते यार हमने तो इनकी बात मान के गलती करी और अपनी आरओआई कमा लेते और बहुत सारा नेटवर्क वहां बना लेते, लेकिन वो सारी कंपनी फेल होती जा रही है, तो आपको मेरी बात का कुछ यकीन हो रहा होगा। अगर मैं सही कह रहा हूं तो प्लीज यस टाइप करिएगा, सभी लोग प्लीज यस टाइप करिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये बात मेरी समझ में आए और मेरी बात से इत्तेफाक रख रहे हो।